अभी मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ज्यादा। मैं इसको वर्ड में ना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो यहाँ का मूवमेंट है और जो यहाँ का व्यू है वो हमारे दिलो दिमाग में छप गया है। फोन में छपे या ना छपे, हमारे दिलो दिमाग में जरूर छप गया है, क्योंकि ये जो सीन है इस टाइम का, गाइस लिटरली मैं सच कह रहा हूँ कि इस टाइम अगर आप आके यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपको वो मेमोरेबल। गाइस हम लोग बोटिंग का मजा ले रहे हैं, हमें तो लगा था कि आज नहीं घूम पाएंगे, लेकिन भैया मान गए हैं। और थैंक यू सो मच, काफी दूर से हम लोग को रिसीव करने के लिए आए हैं। ये जा रहे थे अपना मछली का जाल डालने के लिए, और हम लोग खुद काफी दूर से आए हैं, नवादा से आए खास। और भैया से हम लोग एक झूठ भी बोलेंगे, भैया 12 बजे के आए हुए हैं, लेकिन 12 बजे नहीं आए थे। आपका वैसे क्या नाम है भैया? ना कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, अगर आप बोलिएगा तब लेंगे, नहीं बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ अपना नाम बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आज पहली बार ही आए हैं आप, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग घुमा दें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या अच्छा आप बांधने वाले हैं यहाँ पे? ठीक है तो गाइस अब हम लोग को उतरना पड़ेगा यहाँ से। नहीं बोल रहे बांध देंगे, हम लोग 5 मिनट यहीं पे रुकेंगे। गाइस हम लोग के पास 5 मिनट का और टाइम मिल चुका है, क्योंकि भैया यहाँ पे से जा रहे हैं जाल बांधने के लिए। तो ये 5 मिनट बहुत ही हम लोग के लिए मायने रखता है, क्योंकि 40 किलोमीटर का दूरी को तय करके हम लोग इसी चीज़ के लिए आए थे, और यही चीज़ नहीं हो पाता तो अंदर मन में एक वो रह जाता कसक कि हम लोग घूम नहीं पाए। तो फाइनली आज का जो टारगेट था या फिर जो कहिए वो हम लोग का पूरा हो गया। मतलब कि यहाँ आने के बाद हम लोग सोच ही मन ही बनाकर आए थे कि हम लोग जाएंगे तो वोटिंग करेंगे, फाइनली हम लोग का वोटिंग डन। तो सूरज भाई आप बताइए, आपने वोटिंग का मजा लिया तो आप बताइए कि आपको वोटिंग करके कैसा लगा? अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं इसको वर्ड में ना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर आप इस टाइम आते हैं, अभी जो टाइम हो रहा है वो 6:20 हो रहा है, और इस टाइम आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ, क्या पता आपको शायद हमारा जो फ़ोन, अभी हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो फ़ोन के मदद से कर रहे हैं, तो हमारा फ़ोन आपको क्या पता आपको सही दे रहा होगा, विजिबल हम दिख रहे होंगे या नहीं, लेकिन जो यहाँ का मूवमेंट है और जो यहाँ का व्यू है वो हमारे दिलो दिमाग में छप गया है। फोन में छपे या ना छपे, हमारे दिलो दिमाग में जरूर छप गया है, क्योंकि ये जो सीन है इस टाइम का, गाइस लिटरली मैं सच कह रहा हूँ कि इस टाइम अगर आप आके यहाँ पे टाइम एक्सपेंड करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपको वो मेमोरेबल आपका हो जाएगा। तो आप लोग भी कभी आइए और घूमिए। कौन कहता है हमारा बिहार खूबसूरत नहीं है, यही बिहार है, देख सकते हैं आप। और हम लोग के लिए एक और अच्छी चीज़ है कि ये हमारे जो सिटी है मीन्स की नवादा से बहुत ही नज़दीक है, तो जब मन करता है। और भैया लगता है फिर से लेके जा रहे हैं कहीं, लेकर नहीं जा रहे हैं, वो इस छोर से उस छोर की ओर जा रहे हैं, स्टैंड पे लगाएंगे ना। बता नहीं सकते हैं कि हमें बोटिंग करके कितना मजा आया। अभी देख रहे हैं अभी चलती हुई बोट पे हम सेल्फी वीडियो से वीडियो शूट कर रहे हैं, और काफ़ी मज़ा आया गाइज। अगर आप लोग भी ये मज़ा लेना चाहते हैं तो आप लोग भी इस जगह पे आइए, जो इस जगह का नाम है हल्दिया डैम, जो फुलवरिया जलाशय के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है गाइज, शाम काफ़ी हो गया, भैया बस स्टैंड में इसको इस बोट को लगाएंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे वापस। फाइनली बहुत ही मज़ा आया गाइज, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आए तो इसी टाइम में। पहले तो मैं कह रहा था कि आप नहीं सवेरे आए, लेकिन नहीं आप इसी टाइम, अगर आप इस टाइम आते हैं गाइज तो आपको बोटिंग का मज़ा नहीं मिलेगा। और दिखाई दिखाई दिखाई, अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे, देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अभी आपको ऊपर में बहुत सारे फैमिलीज भी मिल जाएंगे जो कि अभी आए हैं घूमने के लिए, जो कि लोकल ही होंगे, कोई ज़्यादा दूर से नहीं आए होंगे। अगर आप लोग कहीं दूर से अगर आने का प्लान करते हैं तो आप लोग टाइम से आइए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप इतनी दूर से आएंगे और जब यहाँ पे टाइम एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं हो पाएगा। सो हमारा डेस्टिनेशन आ गया है, अब हम लोग यहाँ से उतरेंगे, फाइनली स्टेशन रीच्ड छोड़ेंगे। तो गाइज अभी हम जिस जगह पे हैं वो है डैम, आप देख सकते हैं इधर डैम का मशीन लगाया हुआ है, जिसका फाटक उठाकर जब पानी अधिक हो जाता है डैम में तो इसी फाटक के द्वारा निकाला जाता है पानी, इस फाटक को ऊपर किया जाता है, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, इसके अंदर देखिए कवर किया गया है,
क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग घूमने के लिए आते हैं इस मशीन के ऊपर चढ़कर छेड़छाड़ करते हैं, इसलिए सरकार के द्वारा इसको पूरा पैक करवा दिया गया है और ये काफ़ी सेफ्टी को देखते हुए काफ़ी अच्छा है। तो गाइज अभी हम जलाशय पे ही बाइक चला रहे हैं, जैसा कि देख सकते हैं कहते हैं ना खतरों का खिलाड़ी, आगे कुछ भी नहीं है, आगे ब्लैंक है, एक बाइक लगाया गया है जो यहाँ पर और भी कुछ लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। तो शाम काफ़ी हो गया है गाइज, लेकिन हमने सोचा कि चलो बांध डैम आए हुए हैं तो कम से कम बांध का सीन ले लिया जाए, और यहाँ पे और भी कुछ लोकल लोग आए हुए हैं जो लगातार फ़ोटोज़ क्लिक किए जा रहे हैं। गाइज शाम अधिक हो गया है, अब हम लोग निकलेंगे अपने घर की ओर। तो आपको गाइज हम दिखा दिए ये जो बांध है, बांध का प्रॉपर क्या वर्क होता है और इधर का इस तरह का व्यू दिखता है, आप देख सकते हैं। और इसी को दिखाए थे गाइज आपको, और यहाँ ये जो आपको दिख रहा है इसी से मॉनिटर किया जाता है पानी, जब अगर ज़्यादा पानी होता है तो यहीं से मॉनिटर किया जाता है। इसका जो निर्मित वर्ष देखिए लिखा हुआ है गाइज 1988 लिखा हुआ है, जो 1988 में इसका निर्माण किया गया। अगर पानी का लेवल अधिक होता है या कम होता है वो इसी से पता चलता है। और जैसा और अब हम लोग एक जगह और कवर करेंगे गाइज, आपको जैसा दिख रहा होगा काम काफ़ी शाम हो गया है, लेकिन इसी तरह का एक व्यू और बनाया गया आगे, तो चलिए आपको दिखाते हैं आप लोग वीडियो में बने। हम इसी का बात कर रहे थे जो यहाँ से देख सकते हैं, अब ये जो पानी का पाइप दिया गया है जिसके द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है गाइज, यहाँ से पानी को मॉनिटर किया जाता है, पानी का बहाव अगर अधिक होता है तो यहीं से फ्लो करके बाहर निकाला जाता है। और वैसे हम आपको बता दें गाइज ये काफ़ी सुनसान एरिया है क्योंकि ये आउट ऑफ रजौली पड़ता है, तो आप लोग इस समय बिल्कुल ना आए क्योंकि यहाँ के लोकल लोग भी कुछ आजकल जानते हैं गाइज कोई किसी का कुछ भरोसा नहीं है यहाँ, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है ना कि चोरी चमारी ये सब इधर होता है, इसलिए इतना शाम तक नहीं आए, लेकिन हम लोग रिस्क लेकर के रुके हुए हैं आप लोग को दिखाने के लिए क्योंकि ऑलरेडी हम लोग को लेट हो गया था। और आगे और भी कुछ व्यू है, अभी हम जहाँ पे चल रहे हैं गाइज वो नीचे जो है ना कम से कम 100-150 फीट गहरा है और ऊपर ब्रिज बनाया गया है, वही ब्रिज पे हम चल रहे हैं। मिस्टेक हुआ गाइज रियली, अगर यहाँ हम लोग स्टार्टिंग टाइम पे आए होते तो आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू देखने को मिलता, जैसा कि अभी हम लोग देख पा रहे हैं। और अभी हमारा कैमरा, और अभी आप कोई सा भी कैमरा ले आइए, नाइट विजन कैमरा रहेगा तभी कैप्चर कर पाएगा इस दृश्य को, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट 7 बजने वाला है। तो 7 बजने वाला मतलब कि रात हो चुका है, तो अभी हम लोग कुछ भी जलाकर करेंगे तो ये व्यू आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन लिटरली मैं ये कहना चाहूँगा बस एक ही सब कि ऑसम, दिस इज़ ब्यूटीफुल और दिस इज़ वेरी लवली।